बैट्समैन के बाहर स्क्वेयर कट करने की कोशिश, यहाँ खिलाड़ी मौजूद थे गली की तरफ लेकिन पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे। ऑफ्टम के काफी बाहर है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन गेंद रुकने वाली नहीं है, तो अंपायर के लिए एक बार फिर एक्सरसाइज करने का मौका मिला। तोहफे में 5 रन मिले हैं। ये रूम बनाकर खेल दिया, इनको दिखती है छोटी सी दरार तो ये ढूंढते रन, 4 गेंद बॉडी रन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। ब्यूटीफुल शॉट, रूम बनाकर खुद के लिए जगह बना के खेले। सन्मिश एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए, ये ऑन साइड पर स्वीप किया और क्या कमाल का शॉट है, 6 रन 6 की मोहर लगाते हुए। तो गेंदबाज को रीड करना बहुत जरूरी होता है। मैंने पहले कहा कि सुबह जो कि दोपहर का सत्र था वहां मैंने कहा कि ये बहुत खतरनाक है और बड़े, ये भी उड़ाया, इस बार भागने की जरूरत नहीं है, पंख लगा के डीप मिड विकेट बाउंड्री रन के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, ह्यूज मैन ओंकार ऑन फायर, शानदार बल्लेबाजी परफॉर्मेंस, वो कामयाबी एंजॉय कीजिए। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, दूसरा ऊपर प्रगति पर आराम से इत्मीनान के साथ, पहले से इन्होंने पोजीशन बनाई थी, इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा, ताकत का इस्तेमाल नहीं था, ये बलवान भी है बुद्धिमान भी है, आगे भी खेल रहे पीछे भी खेल रहे, ये दूधारी तलवार है, शानदार बल्लेबाजी, इनका नाम है ओंकार देसाई, जो टेनिस क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाज है इनमें से एक ये है। जैसे कि सुमित नेकल की बात होती है, इस तरह जैसे कि आकाश तारेकर की बात होती है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, तो उसी तरह से ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो मैच में डालने वाले खिलाड़ी, अच्छी बल्लेबाजी पिच मैदान पर। हम संख्या कुल मिलाकर अब 30 रन, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया लेकिन पार्टनरशिप बहुत अच्छी बनती है। बस इस बार टाइमिंग अच्छी नहीं है लेकिन गेंद बॉडी के तरफ तेजी के साथ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिदा और 2 रन मुकम्मल किए हैं। हेमंत गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ये उड़ाया, हो लाजवाब, बेमिसाल, कमाल, दे धमाल बल्लेबाजी बीच मैदान पर बल्लेबाजों का देसाई द्वारा, शानदार शॉट, एक बार फिर गडार में गिनती कैसे करते, देखे जल्दी पिक करते और पोजीशन बनाते, इनको मालूम होता है कि ये मेरे रडार में है और इन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच और पंख लगा के भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। रन संख्या 38 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त। बीच मैदान पर इंदुलकर का विकेट गिरने के बाद अब लग रहा है सैलाब आया है और सैलाब का नाम है ओंकार देसाई। और जो इस बार देखे सर के ऊपर हाथ जाते हुए जो खिलाड़ी, अब आपने बताई थी रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, रिवर्स स्वीप का यहां फायदेमंद साबित होता है, 4 रन मिलेंगे, भागने की जरूरत नहीं है, यहां बाकी कोई नहीं भाग रहा है, गेंद भागती है और यहां स्कोर भी दौड़ता हुआ, शानदार, बहुत ही बढ़िया जो कि क्रिकेट ओंकार देसाई कमाल कर रहे हैं। 3 लगातार अगर चौके आते हैं, विश्वनाथ वर्मा इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है, लगातार 3 बाउंड्रीज के लिए इनाम, ये बेहतर है, बेहतरीन है, खूबसूरती के साथ खेलते, पीछा कर रहे लेकिन यहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा, शानदार शॉट। बल्लेबाज को आपको रीड करना होगा, ये हवा में है, 6 रन मिलेंगे, शानदार शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, बीच मैदान पर ओंकार देसाई, बढ़िया बल्लेबाजी बीच मैदान पर बल्लेबाज ओंकार देसाई द्वारा। रन संख्या कुल मिलाकर अब जो कि 50 रन पूरे होते हुए, रन संख्या 52 रन, 1 विकेट का नुकसान पर और दूसरे विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है नगर सेवक तुषार भाई हिंगे वर्सेज शशि तारा के बीच। अब आगे गेंद है, ज्ञात में जाते हुए बॉडी लाइन की तरफ जा रही है, खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, 2 रन मुकम्मल करेंगे, 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती भी। Look at this fielding, third man, point, cover. यो अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अतिथि उछाल लेते गेंद को, ये बढ़िया गेंद, एफर्ट लगा रहे हैं, ये अच्छा ओवर है, पिछले 2 ओवर की अगर बात करें तो इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं होती और उसके बाद में आप देखिए इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी,
चार ओवर के बाद बीच मैदान पर एक बार फिर पानी जाएगा, पानी बहुत महत्वपूर्ण है और जल पार के लिए खेल रुकेगा। चार ओवर के बाद 58 रन एक विकेट के नुकसान पर, दूसरे विकेट के लिए एक बार फिर बहुत ही अच्छी साझेदारी पनपती हुई। गेंदबाजों ने आखिरी ओवर में, खास करके राजू की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया है, चार ओवर में 24 गेंदें होती है, अब 24 गेंदों में 58 बने हैं। वही बात पर मैं एक बार फिर आ रहा हूँ, क्योंकि टॉस जीतकर आपने बल्लेबाजी क्यों नहीं ली, बल्लेबाजी कर सकते थे, बल्लेबाजी करने के बाद एक बार फिर फ्रंट लाइन में बल्लेबाजी करने का मौका विपक्षी टीम के लिए दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया है। संदीप कदम मेमोरियल कप 2019 ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज बाय बोन क्रेज स्पोर्ट क्लब, शानदार खूबसूरती के साथ इस टूर्नामेंट को सजाया गया है। हमारे कार्पोरेटर राजू जी पिसार एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। पुल टॉस गेंद हवा में खेल दिया, कोई खिलाड़ी नहीं है और दर्शनीय स्ट्रोक 6 रन। इसी के साथ ओंकार देसाई के 50 रन पूरे होते हुए, ओंकार मैग्निफिसेंट, तालियां बजती हुई, तालियों की आवाज मुझे नहीं आ रही है, जोरदार तालियां ओंकार देसाई के लिए होनी चाहिए। 18 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी। ये भी अच्छी गेंद, लेकिन फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन का इजाफा, इसे एक रन के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हर्षल। ओ हो वाह भाई वाह, लाजवाब है, पुणे के इस मैदान पर बल्लेबाज ने मेला लूट लिया है, शानदार बल्लेबाजी। एक बार फिर रिप्ले में देख सकते किस तरह से इन्होंने शॉट खेला, यह आसान नहीं है। बहुत बढ़िया खूबसूरती के साथ ये देखिए अर्शल की गेंद, बहुत शानदार तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और क्या कमाल का शॉट है, घुटना टेक तमाशा देख, बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हुए स्वीप किया था मिड विकेट की तरफ। एक बार फिर स्वीप किया है गेंद जो कि ऑनसाइड पर जाते हैं, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन का इजाफा, रन संख्या 71 रन एक विकेट के नुकसान पर। ओंकार देसाई सेठ बल्लेबाज है। समाप्ति के बाद ओंकार की पारी देखिए, क्या कमाल की पारी रही है, विकेट के नुकसान पर 78 रन। सन्वेश गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में 23 रन खर्च किए थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अब आगे गेंद के और गेंद बॉलने की तरफ, चार रनों के लिए जाएगी, इनको दिखती है छोटी सी दरार तो ये ढूंढते रन चार, स्टक ओवर पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था। एक बार फिर यह चौका आता हुआ, सन्वेश ने अच्छी गेंदबाजी की थी, यहां अगर चौका है मतलब वो चौका जा रहा है तो आप रोक भी सकते थे, कैच खेलेंगे लेकिन कवर करने का, देखिए किस तरह से पूरी तरह से इस बार अगर वो डाइव लगाते तो गेंद हाथ को लगती तो एक बार फिर रन तो बचाते। अगली गेंद गेंदबाज सन्वेश द्वारा, ये छोटी गेंद है, गेंद चली गई सीधे रास्ते पर, खराब गेंदबाजी, क्रिस के गहरे का एक बार फिर अच्छा इस्तेमाल। ये सैलाब है, ये जलजला है, ये तूफान है, ये आंधी है, तहस बहस करके ही वापस आएगा। शानदार बल्लेबाजी बीच मैदान पर ओंकार देसाई द्वारा, क्रीज के गहराई का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्वेयर लेग के ऊपर से और बढ़िया शॉट पर बल्लेबाजी करते ओंकार। यहां पर भी खेल दिया, मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन क्या कैच होगा, नो मैन लैंड में गेंद गिरती भी, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए जरूर वापस आ सकते हैं। अभी तक 8 छक्के इस पारी में हमने देखे हैं, ये कर सकते हैं, मैंने पहले कहा इनके पिटारे में बहुत सारे शॉट है, लाजवाब बेमिसाल कमाल, इनका नाम है ओंकार देसाई। वाह भाई वाह, तालियां बजती हुई, नामांकन हो रहा है और क्या साझेदारी बन रही है। आगे वाली गेंद थी, एक बार फिर देखिए किस तरह से खेले, आगे वाली गेंद थी थोड़ी ऑफ स्टंप की तरफ थी, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद तारामंडल में जाती भी, शानदार छक्का, गोइंग गोइंग एंड गॉन, लुक एट दिस ब्यूटीफुल शॉट, ट्रीट टू वॉच। रिवर्स स्वीप एफर्टलेस, हवा में गेंद, ओहो वाह भाई वाह, शानदार बल्लेबाजी, मक्खन बल्लेबाजी से कहते हैं, इनका इंजन गर्म है, गाड़ी अब पांचवें गियर पर, टॉप गियर पर जाती हुई, और इनकी गाड़ी टॉप गियर पर है तो बल्लेबाजी करने वाले टीम की गाड़ी रम पम पम चल रही है। देखिए किस तरह से एक बार भी ये फुल टॉस गेंद थी, पहले से इन्होंने पोजिशन बनाई थी और जैसा लग रहा कि अंडरआर्म खेल रहे, आराम से मक्खन बल्लेबाजी। ऑन साइड पर हवा में, काउ कॉर्नर के ऊपर से अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं,
ओंकार देसाई शानदार बल्लेबाजी करते बीच मैदान पर और एक शानदार छक्का दबा, ब्यूटीफुल शॉट। आखिरी गेंद है, छक्कों की बरसात, ऐसा लग रहा है कि आकाश से तेज बारिश हो रही है और रुकने का कोई नाम नहीं ले रही है। छक्कों की चौकों की बरसात होती भी नहीं, इस बार गेंद बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया गेंद, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए भाग रहे हैं और दूसरे के लिए जरूर भागेंगे, यहां क्या मौका मिलेगा। लेकिन दो रन मुकम्मल होते हुए इसका मतलब है यहां ओंकार देसाई ने 32 गेंदों का सामना किया, 90 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच गोज टू वन एंड ओनली मिस्टर ओंकार देसाई, मैग्निफिसेंट बैटिंग, तालियां जरूर बजनी चाहिए, अच्छा प्रदर्शन किया है, 90 रनों की एक बार फिर एक यादगार पारी। ओंकार, एक बार फिर मैंने एक पल पूछा था, कौन सा पल बहुत महत्वपूर्ण था, आपने अलग जवाब दिया था, लेकिन 100 के करीब थे, 50 बनाने के बाद क्या लग रहा था क्या शतक बनाएंगे, 90 के आसपास आके पारी समाप्त, मतलब ओवर समाप्त हुए, क्या लग रहा था उस वक्त? नहीं ऐसा कुछ नहीं था 100 बनाना, क्योंकि अभी क्रिकेट बहुत बाकी है और भी 100 बना सकते हैं।